Classics, how are you? I hope you are fine. How are you spending your holidays? I hope it's going on good. I am your geography teacher. I am here to deliver lecture so that you can prepare your second assessment easy. In geography subject class, we discuss about earth. Geo mean earth and graphy mean discuss about it. इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम ज्योग्राफिक में अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं. सेकंड असेसमेंट में चैप्टर नंबर 2 ग्लोब मैप्स एंड देयर यूजेस इज इंक्लूड. इन दिस चैप्टर फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोब. व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? आपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑफिसेज में, इवन आपने अपने स्कूल के ऑफिस में एक राउंड बॉडी शेप का एक ऑब्जेक्ट देखा होगा जिसके ऊपर कंट्रीज, ओशन, रिवर्स के बारे में और कॉन्टिनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है. आज मैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताने लगी हूँ. व्हाट इज़ ग्लोब? अगर हम अर्थ, ज़मीन की एक्यूरेट मैप ऑफ द अर्थ को, अगर हम ज़मीन के नक्शे को एक्यूरेटली बग़ैर किसी इंफॉर्मेशन को मिस किए राउंड बॉडी पे ड्रॉ करते हैं तो हम हासिल करते हैं मॉडल ऑफ द अर्थ. हमें ज़मीन का मॉडल मिल जाता है. अगर हम एक्यूरेट मैप ऑफ द अर्थ राउंड बॉडी के ऊपर ड्रॉ करें, वी गेट मॉडल ऑफ द अर्थ. ओके, ग्लोब क्या है? अगर हम ज़मीन के एक्यूरेट एग्जैक्ट नक्शे को किसी राउंड ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ करें तो हमें जो चीज़ हासिल होगी मॉडल ऑफ द अर्थ, और वो क्या कहलाएगा? ग्लोब. ओके क्लास, सेकंड टॉपिक मैप. व्हाट इज मैप? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल अर्थ और पार्ट ऑफ द अर्थ. ज़मीन का या तो वो एक मुख्तसर कोई हिस्सा होगा या पूरी ज़मीन भी हो सकती है. अगर हम इसको ड्रॉ करें फ्लैट पेपर पे, फ्लैट सरफेस पे, अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल के मुताबिक, अगर हम पूरी ज़मीन को, होल अर्थ को या ज़मीन के किसी एक ख़ास हिस्से को फ्लैट पेपर पे अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल के मुताबिक ड्रॉ करते हैं तो जो चीज़ हमारे सामने आएगी उसको हम मैप कहेंगे, नक्शा कहेंगे. इसके ज़रिए हम अपने अर्थ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. ओके क्लास, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर इज़ डिफरेंशिएट. क्लास, डिफरेंशिएट, और हमने डिफरेंशिएट किस में करना है? ग्लोब और मैप में. ग्लोब में और मैप में हमने डिफरेंशिएट करना है. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, ग्लोब को राउंड ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ किया जाता है जबकि मैप को क्लास सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है. सेकंड, इन दोनों में जो डिफरेंशिएट करता है, जो डिफरेंस है, ये होल अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वाइल मैप को हम इस्तेमाल करते हैं पार्ट ऑफ द अर्थ एज वेल एज हम इसको होल अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और लास्ट डिफरेंस इसमें है, ग्लोब से हमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हासिल होती है, मैप हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देता है. ओके क्लास, तो ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है? ग्लोब राउंड ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ किया जाता है जबकि मैप फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है. होल अर्थ रिप्रेजेंट की जाती है विद द हेल्प ऑफ ग्लोब, बट पार्ट ऑफ द अर्थ एज वेल एज होल अर्थ वी कैन रिप्रेजेंट ऑन मैप. प्रिसाइज इंफॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम ग्लोब, बट डिटेल इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम मैप. ओके क्लास, नाउ वी रीड फ्रॉम दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक्स ग्लोब.
If we draw an accurate map of Earth on a round body like a football, it will become a model of the Earth. It is called globe. Okay, class? अगर हम अर्थ को उसके एक्यूरेट मैप को किसी राउंड ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें नक्शा हमें ग्लोब हासिल होता है. ओके क्लास, नेक्स्ट पे मैप. मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस पेपर अकॉर्डिंग टू अ गिवन स्केल. गिवन स्केल का मतलब ये है कि ग्लोब के ऊपर उस पार्ट ऑफ द अर्थ का, उस कंट्री का, उस ओशन का जो साइज़ है वही मैप पे ड्रॉ करते हुए उसके साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम मैप पे ड्रॉ करेंगे. ओके क्लास, डिफ्रेंशिएट में आते हैं हम. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोब एंड मैप इज़ दैट ग्लोब इज़ राउंड एंड मैप इज़ फ्लैट. ग्लोब राउंड होता है और मैप फ्लैट होता है. ग्लोब रिप्रेजेंट द होल अर्थ वाइल मैप कैन रिप्रेजेंट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ एज वेल. ग्लोब कैन नॉट रिप्रेजेंट मच डिटेल. ऑन द अदर हैंड एवरी टाइप ऑफ डिटेल कैन बी शोन ऑन अ मैप. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया क्लास. आपने इसको याद करना है अच्छे से और अपनी होमवर्क कॉपीज पे इसको राइट डाउन करना है. फिर जो मिस्टेक हो उसको आपने करेक्शन करनी है. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़.